अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल बी यूनिक एमएस। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ माँ की दुआ लेने से क्या होता है। इससे पहले अगर हम लोग की अपनी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर देखिए स्क्रॉल में आ रहा है, इस पर क्लिक करें और हमारी पहली वीडियो जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है हम लोग की पहली वीडियो की, तो उसमें जाएँ और जाकर देखें और हम लोगों को बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और ये माँ की दुआओं का सिलसिला पार्ट टू है, इससे पहले पार्ट वन हम लोग का रिलीज़ हो चुका है, तो आप लोग जल्दी जाइए देखिए और उसको भी देखिए, देख लीजिए ज़्यादा बेहतर है, समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। तो फिर जब हज़रत ओवेश करनी रहमतुल्लाह अलैह जब जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो पीछे से आवाज़ आएगी, ओवेश को रोक दो। जब ओवेश करनी रहमतुल्लाह अलैह रुक जाएंगे और कहेंगे बाकी सब मुसलमान को जाने दो, बाकी अच्छे बंदों को जन्नत में जाने दो, तो फिर हज़रत ओवेश करनी रहमतुल्लाह अलैह सोचेंगे क्या होगा, हमसे कौन गलती हो गई जो हम नहीं जाएंगे, तो सब सारे चले जाएंगे। तो फिर अल्लाह पाक कहेंगे ओवेश पीछे मुड़ कर देखो। जब हज़रत ओवेश करनी रहमतुल्लाह अलैह पीछे मुड़ कर देखेंगे तो सारे मुसलमान जो मुसलमान हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़े, जहन्नमी हैं, वो जहन्नम में जाएंगे। तो फिर हज़रत ओवेश करनी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह पाक कहेंगे ओवेश तू इन सब पर उंगली फेर दे, अगर तू इन सब पर उंगली फेर देगा मैं इन तेरे तुफैल में इन सबको जन्नत नसीब अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात, तो कितनी अच्छी बात है। अगर हज़रत ओवेश करनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की इतनी खिदमत की थी तो आज उन्हें इतना आला मुकाम दर्जा मिला। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी माँ की इज्जत करें, उनका कहना माने और उनको ज़्यादा आप लोग देखें भालें। और जन्नत कमाना है तो भाई यहीं से कमा लो, रोज़ा नमाज तो सब है लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, माँ खिदमत कर लो। और मैं किसी किताब में हदीस किताब में पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, हमारे नबी कह रहे थे बल्कि अपने सहाबा लोगों से कि अगर मेरी माँ होती और हमसे कहती मोहम्मद तो मैं नियत तोड़ के चला जाता। तो हमारे नबी इतना अपनी माँ को मानते थे, तो इसलिए हमारे नबी को तो नबूवत 40 साल में जाके मिली, उनको बचपन में तो नबूवत मिली ना। तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि अपनी माँ की इज्जत करा करें, उनकी देखभाल करा करें, ज़रूर से ज़रूर अपनी माँ की देखभाल ज़रूर करें। तो कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के अच्छे अच्छे हदीस सुनने के लिए हमारा चैनल बी यूनिक में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगली दीजिए इजाज़त नई वीडियो के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।